चलिए एक और बड़ी खबर आतिशी पर। स्वाति मालीवाल ने सवाल उठाई है, सिर्फ एक कठपुतली मुख्यमंत्री रहेंगी ये, स्वाति मालीवाल कह रही हैं। दिल्ली वालों को अब भगवान बचाए, ये दिल्ली के लिए दुखद दिन है। और इस बीच दिलीप पांडे ने स्वाति मालीवाल का इस्तीफा मांगा। मालीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में है, मालीवाल को राज्यसभा पद से इस्तीफा देना चाहिए, ये पूरी स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी है, ये दिलीप पांडे कह रहे हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल का आप देखिए ये एक्सपर्ट पोस्ट, दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकी अब्दुल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पेटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्य